नमस्कार, मैं हूँ डीएसके और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं ये संडे के रविवारीय सत्संग की। एक्चुअली ये रविवारीय सत्संग नहीं था, ये रविवारीय रेसलमेनिया बन चुका था, जहां पर कि घर वालों के हाथ में थे बॉक्सिंग ग्लव्स और उन्हें मारने थे पंच पटापट पंच। अब यहाँ पर ये पंच वार्ता में शुरू करूं, इसके पहले मैं एक शेर कहना चाहूंगा ये दो व्यक्तियों के लिए, नेहा और किशोरी के लिए। वैसे तो शेर कुछ और तरीके से कहा गया है कि हमें तो अपनों ने लूटा, घरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। लेकिन यहाँ पर ये शेर थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है कि हमें तो अपनों ने पीटा, या ये कह सकते हैं कि हमें तो अपनों ने धोया और धड़ धड़ करके धोया, घरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने धोया, गैरों में कहां दम था, अरे हम तो उससे पिटा है जो कल तक हमारा ही हमदम था। जैसे कि नेहा के फोड़ों की कुटाई करी, उन्हीं के हमदम माधव केलकर। केलकर तो तात्या बिच्छू लगता है मुझे, यू नो जब वो हंसता है तो उसका चेहरा बिल्कुल तात्या बिच्छू जैसा दिखाई देता है। और उधर किशोरी जी के हमदम वीना और रूपाली, इन्होंने किशोरी जी के फोटो पे धाए धाए धुप 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 करके सारी खुन्नस निकाल डाली। अब ये जो तस्वीरों पर ये कुटाई करी है, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जैसे कि माधव ने नेहा की तस्वीर पर पंच मारते मारते, और शिव ने भी काफी पॉजिटिव बातें कही कि ऐसा मत कर वैसा मत कर, खेल को जीने की कोशिश कर, हर चीज हर टाइम यू नो गुस्सा और डोमिनेटिव नेचर लेकर के चलना अच्छा नहीं होता है। सिमिलरली किशोरी जी के लिए भी रूपाली और वीना ने यू नो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव बातें करने की कोशिश की। लेकिन पॉजिटिव तो ठीक है, पॉजिटिव तो कोई लेगा नहीं स्पेशली घर के अंदर, नेगेटिव चीजें ही लेंगे। और देखा जाए तो यहाँ नेगेटिव पन ज्यादा था, जिस तरह ये अपनों ने ही इनको धोया है। तो यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन अफजल खान ये जो नाम है ये इन लोगों के ऊपर मैं देना चाहता हूँ। आपको सबको पता होगा कि अफजल खान कौन था और उसके क्या इरादे थे, और खंजर लेकर वो शिवाजी महाराज की पीठ में छुरा भोंकने की नीयत रखता था। तो यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं मुझे ये सारे के सारे अफजल खान दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने कि मौका पड़ने पर पीठ में छुरा घोंप दिया है किशोरी को किशोरी के साथ वालों ने और नेहा को नेहा के साथ वालों ने। कहीं ना कहीं ये मुझे सही भी लगता है, क्योंकि जिस तरह के आपने कर्म किए हैं आपको वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। किशोरी जी डे वन से अगर इस ग्रुप के अलावा दूसरे ग्रुप में रहती और यूनिटी लव रिस्पेक्ट ये जो फोकड़ का ढिंडोरा इन लोगों ने पीटा था, आज कहीं ना कहीं किशोरी जी को दिखाई दे गया कि यूनिटी लव रिस्पेक्ट वगैरह सब झंडू मांग टाइप की चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किशोरी जी के साथ ये दूसरी बार ऐसा हुआ, अगर आप याद करें तो वो एक आपातकालीन स्थिति जब हुई थी, वहां पर भी वीना एंड रूपाली ने आपस में ही एक दूसरे को बचाने की बात कही थी, किशोरी जी को भंवर में छोड़ दिया था। यहाँ पर भी इन दोनों ही जहरीली नागिनों ने अपना जहर किशोरी जी के ऊपर ही निकाला। निकालने को ये लोग अपनी भड़ास और भी लोगों पर निकाल सकते थे, जैसे कि वीना और भी लोगों को कह सकती थी, लेकिन उसने किशोरी जी की फोटो पर ही अपना दाव खेला। अब यहाँ पर यू नो आप सबने देख लिया कि मोस्टली हर घर वाला जो था वो नेहा की तस्वीर पर ही अपने पंच मार रहा था, धूम धड़ाक धूम धड़ाक धूम। सबने वैशाली ने या सुरेखा जी ने या यू नो सबने नेहा को ज्यादातर टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन यहां मैं जिक्र करना चाहूंगा घर का तात्या बिच्छू यानी कौन केलकर, आई थिंक 15 मिनट के आसपास उसको टाइम दिया गया और भाई ने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। एक्टर्स जब एक्टिंग करते तो उसमें एक टर्म यूज की जाती है मोनोलॉग, तो ये मोनोलॉग था 15 मिनट का जो कि केलकर को दिया गया। अपने मुक्कों के साथ साथ उसने अपने सिर का भी प्रयोग किया और नेहा की फोटो पर पूरी खुलकर भड़ास निकाल दी। यहाँ केलकर ने एक बात और यूज की थी जो कि मैं काफी दिनों से कह रहा हूं, यही बात पराग ने भी मुझे बताई थी, एंड ये बात मैं यू नो डे वन से आपसे कह रहा हूँ कि नेहा वुमन कार्ड खेलती है। यहाँ केलकर साहब ने भी साबित कर दिया कि मुल्की कार्ड एंड विक्टिम कार्ड खेलना तो नेहा की फितरत के अंदर है। और भी बहुत सारी उसने बातें की जो कि आई एम श्योर आप सबने देखी होंगी, तो खुल खुल कर अपनी खुन्नस निकाल रहा था वो किशोरी जी के ऊपर भी और नेहा के ऊपर भी, और बहुत ही वियर्ड और एक्सप्रेशन पता नहीं कैसे कैसे दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसको एक यू नो डायरेक्टर ने बोल दिया, खैरमाइश मांझी के बोला ही था 3-2-1 एक्शन, तो आपने तो देख ही लिया कि अपनी किस तरह खुन्नस निकाली। सो केलकर के साथ वैशाली ने भी अपनी पूरी खुन्नस उतार दी किशोरी जी के ऊपर और नेहा के ऊपर। हाँ, ये केलकर और वैशाली नेहा के घनिष्ठ मित्रों में शुमार किए जाते हैं। माधव ने हालांकि पॉजिटिव वे में समझाने के लिए नेहा के ऊपर यू नो खुन्नस निकाली, वीना के ऊपर भी उसने अच्छे से खुन्नस निकाल दी, और उसने कहीं ना कहीं मुझे लग रहा बहुत सही बात की, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा कि उसने यू नो कम बोला लेकिन दमदार बोला जितना भी बोला वीना के अगेंस्ट। यू नो दूसरों को कंफ्यूज बोलती, कंफ्यूज तो ये खुद है, और मैं
काफी दिनों से कह रहा हूँ, ये खुद ही कंफ्यूज है, कभी परागन ग्रुप से लड़ती, फिर यूनिटी लव रिस्पेक्ट करती, फिर वीकेंड पर फिर उनके खिलाफ बोलती, फिर उधर जाती, फिर कभी नेहा के खिलाफ अनशन बोलती, उसमें स्मेल आती है, ये आती है वो आती है, फिर जाके उसी से यू नो गले मिलना, और कभी कभी किशोरी जी को अपनी ताई अपनी आई का दर्जा देना कि बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, कभी आपातकालीन स्थिति में उनका नाम नहीं लेना, और अब एपिसोड में उन्हीं के अगेंस्ट पंच मारना। तो कहीं ना कहीं डबल ढोलकी वाला अंदाज मुझे रूपाली और मीना दोनों का ही दिखाई दे रहा है कि पूरा वीक ये लोग किशोरी जी के साथ रहते हैं, और रूपाली स्पेशली, जब आपको याद होगा पराग था तो रूपाली स्पेशली पराग और किशोरी जी के साथ ही बैठा करती थी, एंड नाउ सडनली उसने तो दूध में से मक्खी समझ करके किशोरी जी को साइड में कर दिया है। तो मैं समझ रहा हूं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस एपिसोड में और तो कुछ खास ज्यादा हुआ नहीं, ये पंच प्रेम चलता रहा, दुनिया भर के भड़ास निकाली गई। अब इस चीज के आफ्टर इफेक्ट्स ये हो सकते हैं, जैसे कि किशोरी जी ने तो खैर बोल दिया वहां यू नो एक्टिविटी एरिया में खड़े होकर कि जो हुआ जो हुआ, चलो नई स्टार्ट करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि ये जो भी कुछ हुआ है, देखिए क्या होता है बिग बॉस में, जब सारे घरवाले मिलकर किसी एक इंडिविजुअल या दो इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं, ऑटोमेटिकली पब्लिक का सपोर्ट उनकी तरफ झुक जाता है। तो नेहा भले ही बहुत ज्यादा यू नो नेगेटिव है, बहुत डोमिनेटिव है, तो कहीं ना कहीं नेहा के प्रति लोगों की संवेदनाएं धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएंगी। अगर उसमें थोड़ा सुधार करती है, वो खुद में सुधार करती है, और जिस तरह से घर वालों ने यू नो उसकी फोटो पर पंच मारते मारते फीडबैक दिया है, एक वर्ड सबने यूज किया कि बहुत एग्रेसिव हो जाती है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिव हो जाती है, टास्क के दौरान सब भूल जाती है। तो कहीं ना कहीं उसको अगर ये समझ में आ जाए कि ये बिग बॉस का घर है, ये खतरों का खिलाड़ी नहीं है, जहां पर सिर्फ टास्क करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, यहां आपको टास्क के बियॉन्ड जाकर इंसानियत का जज्बा भी दिखाना है, जहां आपको अप्रिशिएट करने की जरूरत हो वहां सामने वालों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। 24 घंटे आप ग्रुपबाजी नहीं कर सकते, लेकिन यहां इन लोगों ने जो एक हम टर्म यूज करते हैं ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो यहां इन लोगों ने मजबूरी का नाम ग्रुपबाजी कर रखा है। भले ही आपके आपसी संबंध कैसे भी हो, लेकिन आपको ग्रुप बनाना है, तो ये ग्रुप चालीसा छोड़कर अपना एक इंसानियत का जज्बा दिखाओ। टास्क है यार, कोई जिंदगी और मौत का जंग नहीं है, बॉर्डर पर नहीं खड़े हो कि आपको मतलब टास्क जीतने के लिए कुछ भी करना है, मर्यादा की हदें पार करनी है। टास्क करो, लेकिन एक इंसानियत का जज्बा हमेशा बरकरार रखो। आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि इस टास्क के दौरान जो मैं हदें पार कर रही हूं या कर रहा हूं, ऑडियंस कैसे देखेगी इस चीज को, आप ये नहीं सोचते हो। कई बार क्या होता है कि यू नो तीन चार स्टेप पीछे ले लेना काफी अच्छा होता है। जैसे कि एक बात मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दूंगी, आपने 10 माचिस की तीलियां रखी हुई हैं और एक माचिस की तीली में आग लगा दी, तो सारी की सारी तीलियां फिर एक के साथ एक जलती चली जाएंगी। वहीं अगर आप बीच में से एक तीली को पीछे खींच लेंगे तो जो आग है वो वहीं तक रुक जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि दो चार कदम पीछे हटा लेना, ऐसा नहीं है कि आप यू नो हार रहे हैं या यू नो फेल हो गए, कई बार कुछ कदम पीछे ले लेना आपके आगे बढ़ने की गारंटी बन जाती है। जैसे कि शेर को देख लीजिए, वो अगर जंप मारता है तो जंप मारने से पहले वो 4-5 कदम पीछे जाता है। तो आई थिंक नेहा में अगर थोड़ी सद्बुद्धि होगी तो ये जो पंच पड़े हैं उसकी तस्वीर के ऊपर, इन्हें पॉजिटिव ले, किशोरी जी भी इन बातों को पॉजिटिव ले और समझ जाए कि वीना और ये रूपाली, ये मेरी आस्तीन में छुपे हुए सांप है जो मेरे ही साथ है, लेकिन जब जब मौका पड़ता है ये लोग मुझे ही डस लेते हैं। एंड कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ कि किशोरी जी के साथ ये जो हुआ है ये आई थिंक अच्छा ही हुआ है, क्योंकि उन्हें एक सबक सीखने को मिला। और शायद हम कहते हैं ना कि कर्म दंड, जब पराग घर के अंदर वापस आया था माफी मांगने की जब बात हुई थी, तो किशोरी जी, रूपाली एंड वीना, इन तीनों ने सिरे से नकार दिया था। तो कहीं ना कहीं अब किशोरी जी ने जो उस समय किया उन्हें वो चीज वापस मिल रही है, कि एंड रूपाली एंड वीना को भी वही चीज आगे चल के वापस मिलेगी। ये बिग बॉस का घर ऐसा है कि आप जो करते हो दूसरों के साथ वो चीज घूम फिर कर आपके साथ आ ही जाती है। ज्यादा पीछे ही पुरानी बात नहीं है, पराग के साथ इन लोगों ने जिस तरह गलत किया उस समय तो केलकर वैशाली सबने नेहा का साथ दिया, लेकिन अब यही लोग कर रहे हैं कि ये तो दूसरी पराग है, ये तो बहुत डोमिनेटिव बनती है, बहुत एग्रेसिव बनती है, वुमन कार्ड खेलती है, विक्टिम कार्ड खेलती है। तो जो चीज नेहा ने उन लोगों के साथ पराग के अगेंस्ट यूज की, अब वही चीजें नेहा के साथ ये घर वाले कर रहे हैं। तो ये सर्कल है बिग बॉस के घर का, ये सर्कल चलता रहता है, आगे भी चलता रहेगा इस टास्क में, पंचिंग वाली टास्क में। और तो यू नो मैं कुछ बोलने लायक मटेरियल समझ नहीं रहा हूं,
हिना वगैरह इन सब ने भी पंच वगैरह मारे। हिना ने शिव के अगेंस्ट बोला, शिव ने हिना के अगेंस्ट बोला था। शिव ने इस टास्क को मैं समझ रहा हूँ सबसे डिसेंट तरीके से किया, उसने नेहा और हिना की तस्वीर उठाई थी, लेकिन जो पॉइंट्स रखे थे वो काफी अच्छे रखे थे उसने, जो कि कहीं ना कहीं हिना और नेहा दोनों को ही हेल्प करेंगे गेम में इंप्रूव करने के लिए। लेकिन केलकर ने और रूपाली ने तो अपनी खुन्नसी निकाली और चिंदी बिंदी बातें, शिवानी का भी एक जिक्र कर दिया केलकर ने, तो आप समझ सकते हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा ग्रजेस रखता है, खुन्नसी इंसान है ये, तो 7 जन्म पुरानी बातें निकाल निकाल के, पिद्दी पिद्दी बातें निकाल निकाल के अपनी भड़ास निकाल रहा था और दूसरों को ज्ञान देता है, महिलाओं की इज्जत करो, महिलाओं का सम्मान करो, तो थोड़ा सा खुद भी करके देख लो ना केलकर बाबू तात्या बिच्छू। सो केलकर तो क्या है, केलकर और वैशाली तो क्या है भाई, दोनों गॉन केस है, दोनों यू नो क्या है कि दूसरों को बहुत ज्ञान देते हैं। यहाँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वर्ड यूज करा था वैशाली ने किशोरी जी के लिए, खुद कितनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मतलब भी जानती होगी, आई डोंट नो कि शायद उसको मतलब भी पता होगा। केलकर और वैशाली तो क्या कि इस सीजन के जबरदस्त वाले विलेन हैं और ये लोग ज्यादा टिकाऊ मटेरियल नहीं है, चैनल इनको भले ही आगे तक पालेगा पोसेगा यू नो जहर भरेगा इनके अंदर और, लेकिन मौका पड़ने पर इन्हीं को लात मार के निकाल दिया जाएगा। एंड बाकी तो इस एपिसोड में वो चुगली भूत एंड फिर कोई एक लड़का आया था, क्या नाम था, पारस नाम था, जिसने आरोपी बनाया था नेहा को, जिसने जिसको कि पैर छूने का बोला गया था, ये पॉइंट शिव ने भी बोला था पंचिंग वाली टास्क के दौरान कि सुरेखा जी बड़े बड़ी हैं, उनके साथ डिसरिस्पेक्ट से बात की थी नेहा ने। तो जिस तरीके से घर वालों ने पंच मारे हैं नेहा स्पेशली और किशोरी जी की तस्वीर के ऊपर, ये दोनों अलग हो गए हैं, पूरा घर अलग हो गया। अब जो इक्वेशन बनेगी आई थिंक नया ग्रुप बना लेना चाहिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस स्ट्रेटजी के तहत नेहा किशोरी जी को साथ में आ जाना चाहिए एंड एक नई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। माधव तो क्या नेहा के साथ है ही सही, और माधव ने किशोरी जी के खिलाफ भी कभी कुछ ज्यादा बोलता नहीं है, वो बंदा एकदम न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। तो एक नया ग्रुप बने और नई तरीके से यू नो खेल को खेलने की कोशिश करें, इंसानियत का जज्बा और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, बोलते जरूर हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेकिन वो स्पिरिट इस घर में नदारद है। एक शिव के अंदर मुझे थोड़ी बहुत दिखाई देती है, बाकी किसी के अंदर दिखाई नहीं देती। ये रूपाली एंड वीना तो अफजल खान अगर मैं इन्हें कहूं तो गलत नहीं होगा, ये मौका पड़ने पर अपनों की पीठ में छुरा भोंकते हैं, आप ये चीज टाइम एंड अगेन देख चुके हैं। बाकी तो सुरेखा जी का इलेक्शन हो गया एंड इस एपिसोड में चुगली बूथ में फोगड़बंती चलती रही। कॉलर भी आया था आई थिंक, किसके लिए आया था, शिव और वीना के लिए आया था शायद। सो बाकी तो इस एपिसोड में टाइम पास चलता रहा। पंच ये जो पड़े हैं ये जबरदस्त पड़े हैं और कहीं ना कहीं नेहा को एक रियलिटी चेक हुआ है, रियलिटी उसका मिरर उसको देखने को मिला है, किशोरी जी को भी देखने को मिला है कि हमारे आसपास जो लोग हैं एक्चुअली अगर ऐसे लोग हैं तो हमें दुश्मनों की जरूरत कतई नहीं पड़ेगी, हमारे अपने ही हैं, लेकिन मौका पड़ने पर यही अफजल खान बन गए हैं हमारे खिलाफ। तो सीख जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं सीखेंगे उन्हीं ग्रुप में उन्हीं लोगों के साथ बैठेंगे तो कल को फिर और ज्यादा गहरे गड्ढे में गिरेंगे ये लोग, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है इस एपिसोड के बारे में आप भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये जो मैंने तात्या बिच्छू बोला है केलकर को, आप इस बात से कितने सहमत हैं, और वीना और रूपाली को मैंने अफजल खान की संज्ञा दी है, आप इससे कितने सहमत हैं कितने सहमत नहीं है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड क्या आपको नहीं लग रहा कि रूपाली एंड वीना किसी और का नाम भी ले सकती थी किशोरी जी के अलावा, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स। अपना समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।